30 सेकंड चैलेंज लेकर, और इस बार के खिलाड़ी हैं कलश के देविका और रवि, यानी कि क्रिप और अपर्णा। ये दोनों काफी एक्साइटेड लगे इस चैलेंज को लेकर। सबसे पहले चैलेंज देने की बारी है अपर्णा की, तो मोहतरमा क्या चैलेंज दे रही है आप क्रिप को? क्रिप और अपर्णा, क्रिप कपूर सूरी, अपर्णा दीक्षित, 30 सेकंड चैलेंज। इन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि मैं इनकी 30 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ तारीफ करता रहूं। जेनुइन वाली तारीफ जो क्रिप बहुत ही कभी कभार करता है, वो हमेशा सरकास्टिकली बोलता रहता है। छी, ऐसा कब कहा यार? ऐसे वो उसकी स्माइल ऐसी होती है ना कि मुझे लगता है झूठ बोल रहा है। तो मेरी स्माइल कितनी क्यूट है। तो आज ये जेनुइनली दिल से मेरी तारीफ करेगा बहुत सारी। ओहो, तो मैडम अपनी तारीफ सुनना चाहती है क्रिप से। भाई सही है, इस चैलेंज के जरिए फाइनली क्रिप से ढेर सारी तारीफ तो सुन ही लेंगी अपर्णा। क्यों, क्या ख्याल है क्रिप आपका? तो आप लोग देखना और ऐसे ही फॉलो करना अपनी अपनी यू नो रियल लाइफ ऑफ स्क्रीन लड़कियों के साथ तारीफ की बातें करना। मैं ऑन स्क्रीन यू नो ओके स्टार्ट। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, जहाँ भी तुम देखते हो एक नया रिश्ता कायम करती हो, स्पेशली जब मुस्कुराती हो, क्योंकि मुस्कुराहट तुम जब दिख देती हो ना, जब मुस्कुराती हो तो तुम्हारे जो मोतियों से दांत चमकते हैं ना, वो दांत नहीं वो डायमंड लगते हैं। सी डायमंड, यू नो कोहिनूर के डायमंड। और उसके बाद आते हम तुम्हारे बालों पे। ओ माँ कसम, मतलब क्या ही बाल है, इतने रेशमी जुल्फे, इतने रेशमी बाल मैंने आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखे। मतलब सो ब्यूटीफुल, इसको आयरन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाल इतने खूबसूरत है मैं बता नहीं सकता। ये नेचुरल स्टेट है, नेचुरल हम लोगों को करने पड़ते हैं। और उसके बाद हम आते हैं आईब्रोज, तो कमाल किए यार, इधर वाली ऊपर वाली कब ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, मालूम नहीं। आईब्रोज के नीचे आंखों की पलकें देखो। लेकिन मैंने सच में बोला है, जो बोला है। सी लुक एट हर, देखो स्माइल, देखो लग रहा है ना डायमंड, कोहिनूर डायमंड, स्माइल स्माइल, आंखें देखो, एक्सप्रेसिव आंखें है ना। माँ कसम, जहाँ देखती है वहीं नया रिश्ता कायम करती है, इसे कहती है। इतना लंबा होता कि 30 सेकंड में खत्म नहीं होती। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं कि बस बस खत्म हो गया 30 सेकंड्स चैलेंज। छोड़ दो ना, कुछ उनको भी दस करने दो, सब कुछ मेरे से बुलवाओगी। और भी तो लोग हैं तुम्हारे फैंस, लोग चाहने वाले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वो वाले, सुनना चाहते कि तुम मेरी तारीफ, वो देख रहे हैं तुमको, देखो तुम सब लोग देख रहे हो ना। आई होप यू ऑल अग्री, इसने सच बोला है। बिल्कुल अग्री है। और प्लीज इसकी सुंदरता के कारण हमारा शो देखते रहिए कलश, उस बात से मत हटना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वाह वाह, तालियां तालियां, खूब ढेर सारी तालियां, क्या तारीफों के पुल बांधे हैं क्रिप ने। भाई उनके मुंह से इतनी सारी तारीफ सुनकर तो हमारी अर्पणा फूली नहीं समा रही है। चलिए बताइए क्रिप, आप क्या धांसू चैलेंज दे रहे हैं अपर्णा को? अभी आती तुम्हारी बारी, ऐसा करो तुम भी मेरी तारीफ कर दो। यार सेम चीज, इट्स नॉट, इट्स कॉल्ड कॉपीकैट। नो नो नो, इट्स नॉट अलाउड। मेरा मन कर रहा है, मैं ये बहुत दिनों से क्रिप, ऑफ कोर्स कुछ और, इट्स कम ऑन, व्हाई यू सो नॉट सो क्रिएटिव? क्रिएटिव, यूज योर ब्रेन्स, ये तो मेरा था ना। अब 30 सेकंड के लिए तो अब क्रिप अपना दिमाग लगा के कोई अच्छा सा चैलेंज देगा मुझे, क्योंकि मैंने इसे मना कर दिया है, मेरा वाला ये कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कुछ दोस्त, 30 सेकंड के लिए ना इसको पता क्या बोलना है, आप सुनो, ये इसको 30 सेकंड में बोलना है, और 30 सेकंड में ये इसके पास जितने टेक हैं वो टेक में बोल सकती है। अगर इसने बोल दिया और मैं एक ही बार बोलूंगा, उसके बाद इसको बोलना है, ये रूल है, एक ही बार बोलूंगा उसके बाद इसको बोलना है, और 30 सेकंड में खत्म करना है। एक बार, दो बार, तीन बार, 30 सेकंड खत्म हो जाएंगे, करेक्ट, मंजूर? ठीक है, पहला कुछ छूट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ छोटी ऊंची। यार मैं बहुत फंबल मारती हूँ, मैं नहीं बोल सकती। अरे हाँ, चैलेंज, इट्स माय चैलेंज, इट्स माय चैलेंज। नहीं, हाय हाय, ये क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिए, हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए। कुछ छूट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ छोटी ऊंची पूछ, ये खुद ने भी फंबल किया, मैं नहीं। कुछ छूट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूछ, बोल के बताओ क्या कुछ, एक बार समझ लूं मैं कुछ। अच्छा मैं बहुत धीरे बोलूंगा, कुछ छूट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूछ। ओहो, ये टंग ट्विस्टर कैसे बोल पाएंगे हमारी अर्पणा। चलिए कोई नहीं अर्पणा, आप चैलेंज पूरा करने की कोशिश तो कर ही सकती हैं। चलिए शुरू हो जाइए। अब नहीं बोलूंगा, अब इसकी बारी है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची पूंछ की पूंछ, ऊंची पीठ की पूंछ, पूंछ की, एक बार तो बता दो यार, मुझे समझा दो एक बार। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। कुछ पूछ उठी, कुछ ऊंची ऊंट की पूछ, नहीं, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूछ ऊंची, कुछ ऊंची ऊंट की पूछ। एक सेकंड
कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूछ ऊंची कुछ ऊंटी ऊंची ऊंटी पूछ। यस यस मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये बहुत डिफिकल्ट था। अरे तो चैलेंज तो वही होता है डिफिकल्ट, अगर चैलेंज पर डिफिकल्ट नहीं होता तो क्या करता। अच्छा अब अच्छा ठीक है फाइन, मैं एक बार बोल। नहीं नहीं अभी हार गई, शी हार गई, मैं जीत गया। क्रिप कपूर सीरीज द देखा। यस सी आई एम सो नाइस दैट आई लेट हिम विन, मैं चाहती थी कि ये जीते। इट्स कॉल्ड एक्टिंग, मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग, ऑल ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत दिखा रही है अभी कि मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी प्यारी हूं। ठीक है ओके, शी इज द विनर, ये जीत गई। इसकी तरह से मैं बोल देता हूं दो बार, कुछ छूट ऊंचा, अभी मेरे साथ बोलना, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। वापस से, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची कुछ ऊंची ऊंट की पूंछ। ये हो गया, जीत गई, जता दिया मैंने इसको। लड़कियां नो लड़कियों का जमाना है। ओह बहुत सारी मेहनत के बाद और बहुत सारा वक्त लेने के बाद आखिरकार अर्पणा ने बोल ही लिया टंग ट्विस्टर। भाई चैलेंज तो वक्त पर पूरा किया नहीं इन्होंने, तो ये हार गई। क्यों क्रिप आपका क्या कहना है? देखो ऑडियंस लोग, आपने इसको देख लिया, आपने मेरे को देख लिया, मैंने तारीफ करी, ये बेचारी बोल नहीं पाई। क्या नहीं बोल पाई? अब आप घर पे प्रैक्टिस करना और बोल के बताना कि क्या आप बोल सकते हो या नहीं। तो हमारे शो में भी हम लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसे ही कुत्ते बिल्ली की लड़ाई करते हैं। हम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई नहीं करेंगे तो शो में मजा नहीं आएगा, है ना। अच्छा मेरी अपील की बारी है, प्लीज। मैंने ट्राई किया और मैंने सीख भी लिया, मैंने कुछ नई चीज सीखी है, तो आई रियली वांट कि मैं ही विनर हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत अच्छी हूँ इसलिए। तारीफ करना भी मैंने पहली बार ही, मतलब ऐसे तारीफ के हर दूसरे इंसान को मैं तारीफ करता हूँ। बट ये कितना इजी है ना, ये अपनी रियल लाइफ में सोचकर किसी और को इमेजिन करके तारीफ कर सकता है। सोचना चाहिए था ना चैलेंज देने से पहले, सोचा नहीं। और इसने मेरा चैलेंज पहले कॉपी भी किया था, इसलिए मुझे जीतना चाहिए। ओ, 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 कुछ भी, अभी आप प्लीज यार डिसाइड कर लो यार, ठीक है। क्रिप तुम बोल दो ना कि मैं ही जीतूं। नहीं आप क्रिप, देखो अभी मैंने बोल दिया कि तुम जीत गए, लेकिन ऑडियंस को डिसाइड करना था कि ऑडियंस मेरी तरफ से अपील भी, मैं क्यों करूं तुम्हारी तरफ से अपील। अरे मैं नहीं कर सकता क्रिप, प्लीज तुम करो ना क्रिप, प्लीज। वोटिंग तुम्हारी है, प्लीज बोलो, प्लीज वोट फॉर अपर्णा दीक्षित, प्लीज वोट फॉर अपर्णा दीक्षित, बिकॉज आई एम देविका एंड ही इज रवि। ओके लिसन, और प्लीज अपील हम दोनों की तरफ से, हमारे शो को जिता दो यार, हमारा शो नंबर वन कर दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, चाहे इसको जिताओ मुझको जिताओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग एक ही परिवार के एक ही सदस्य हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कलश को जिताओ, कलश की टीआरपी जुप करके ऊपर लेके जाओ और शो को सुपर डुपर हिट ना, और लाइफ एंड कीप लविंग रविका, रविका नाइस नेम, कीप लविंग रविका, रवि एंड देविका। चलिए ये दोनों तो पता नहीं लगा पा रहे कि आखिर कौन जीता और कौन हारा, तो हम आप पर छोड़ देते हैं और आप ही डिसाइड कीजिए कि विनर कौन है इन दोनों में, और अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। कैमरामैन बाबा जी के साथ रुचिका सिंह, इंडिया फोरम्स, मुंबई। हाय दिस इज अपर्णा दीक्षित, कीप वॉचिंग इंडिया फोरम्स एंड सब्सक्राइब टू व्हाट्सएप टीवी।